हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। DCECE बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PE कहते हैं, इसका ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और फिर सीट अलॉटमेंट कैसे करें। इंस्टीट्यूट और ब्रांच चूज करते समय बहुत सारे कैंडिडेट ने गलती करी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि आपने कहां पे गलती किया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन करें। मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करता हूं, तो हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स या URL में टाइप करेंगे bcece admissions.nic.in और फिर सर्च कर देंगे। सर्च करते ही बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ई काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और हमें अब सबसे पहले DCECE 2018 के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन टू पॉलिटेक्निक कोर्सेज DCECE 2018 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। अब आपको कोर्स नेम चूज करना है, तो हमें पॉलिटेक्निक स्ट्रीम चूज करना है। उसके बाद चूज करते ही अब आपको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, जो बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले एडमिट कार्ड पे होगा। रोल नंबर डालने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अपना नाम यहाँ पे डालें। नाम डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, तो सबसे पहले दिन चूज करें। दिन चूज करने के बाद मंथ चूज करें, उसके बाद फिर ईयर चूज करें। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आप यहाँ पर जो नीचे सिक्योरिटी कोड देख रहे हैं, वो यहाँ पर एंटर करें। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा है, कोर्स नेम लिखा है, रोल नंबर, फादर्स नेम, आपका नीचे रैंक लिखा है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पासिंग ईयर, बोर्ड नेम। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें, क्वालिफाइंग स्टेटस है जो अपीयर्ड पहले से है, उसे आपको पास्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट 10th का आ चुका होगा। अगर आप अपीयर्ड पे ही रहने देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले पास्ट पे क्लिक करें, उसके बाद पास्ट पे क्लिक करने के बाद मार्क्स सिस्टम पे क्लिक करें। मार्क्स सिस्टम पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऑब्टेंड मार्क्स में 10th क्लास में जो आपने मार्क ऑब्टेंड किया है, वो मार्क्स यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद अब आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे एंटर करना है कि आपका एग्जाम कितने नंबर का हुआ था। ये सब डालने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो 8 से लेकर 15 कैरेक्टर तक होना चाहिए। आप एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ #, इन सभी को मिलाकर एक पासवर्ड बनाना है और इस पासवर्ड वाले कॉलम में एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब कंफर्म पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है, सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको फील्ड च्वाइस करना है, फिर उसके बाद लॉक करना है। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है, उस प्रिंट पे क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन डिटेल का प्रिंट ले लें। अब आपको च्वाइस फिलिंग पे जाना है, उसके बाद आप अवेलेबल च्वाइसेस पे क्लिक करके टोटल इंस्टीट्यूट और उनमें कितना ब्रांच है और उनमें कितना सीट है ये सब देख सकते हैं। ये सब देखने के बाद फिल च्वाइसेस पे क्लिक करें। अब आपको अपना च्वाइस फिल करना है। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इंस्टीट्यूट च्वाइस करने में और ब्रांच च्वाइस करने में गलती किए हैं। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑल ही रहने देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप में आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लें। इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट वाइज सॉर्टिंग ऐसे ही रहने दें। अगर आप ब्रांच वाइज सॉर्टिंग ऑल रहने देंगे तो आपको जो ब्रांच चाहिए उस कॉलेज को ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। अब जैसा कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने प्राथमिकता के अनुसार इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन पहले हो। उसके बाद प्राथमिकता के अनुसार दूसरा इंस्टीट्यूट चूज करें। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर आपका रैंक 1900 के करीब है तो आप जिस ब्रांच में चाहें उस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप टॉप 20 कॉलेज को चूज कर लें। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर अपने मन के मुताबिक सारे इंस्टीट्यूट को चूज कर लें। जैसा कि पहले मैं मोतिहारी चूज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे जीपी मोतिहारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सबसे अच्छा है कि ब्रांच वाइज सॉर्टिंग में आप जो ब्रांच चूज करना चाहते हैं उस ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सारे इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। तो अब आपको बारी बारी से सारे इंस्टीट्यूट को ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे आपने पहला इंस्टीट्यूट चूज किया है उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे वाले कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अगर दूसरे वाले में नहीं होता है तो तीसरे वाले में होगा। इस प्रकार आप सभी इंस्टीट्यूट को चूज कर लें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सभी इंस्टीट्यूट को चूज कर लिया है। अब जैसे मुझे डाउट है कि हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे ना मिले, इसलिए आप कोई और ब्रांच भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं अगर आपका रैंक अच्छा ना हो तो। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज कर लिया है। उसके बाद फिर मैं जिस जिले से हूँ उस जिले का इंस्टीट्यूट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद बारी बारी से सभी इंस्टीट्यूट को ऐड कर लेंगे।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए सारे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए सारे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपका रैंक 1900 के करीब है तो आप जिस ब्रांच में चाहते हैं उस ब्रांच को चूज करके सभी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर ले, आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आप अधिक से अधिक ब्रांच को चूज करके अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट को चूज करें, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करने के बाद आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि आप जैसे ही ब्रांच चूज करते हैं जो नीचे सेव चॉइसेस लिखा है उस पर क्लिक करते रहें। इससे क्या होगा कि अगर आपका सर्वर डाउन है तो फिर से जब आप करेंगे चॉइस तो आपको शुरू से इंस्टीट्यूट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने जितना सिलेक्ट पहले कर लिया है आप फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच चूज कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने टोटल 144 फील्ड चूज कर लिया है। जैसे कि मेरा रैंक 4000 के करीब है तो मैं एक और ब्रांच सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इससे क्या होगा कि मेरा 100% चांस बन जाएगा कि अगर मेरा सिलेक्ट किसी एक ब्रांच में नहीं होता है तो दूसरे ब्रांच में कन्फर्म होगा। इस तरह से आपसे अनुरोध है कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आप सारे ब्रांच को चूज करके सारे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लें। सेव चॉइसेस करने के बाद सेव एंड एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर चॉइसेस आर सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर फील्ड चॉइसेस। आपका चॉइस सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, अब आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप यहां पर स्क्रॉल करते हुए चेक कर सकते हैं कि आपने ब्रांच सेलेक्ट किया था, आपने जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया था वो सारे यहां पे सेव हो चुके हैं। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो मॉडिफाई चॉइसेस पे क्लिक करें। अगर आप लॉक चॉइसेस पे क्लिक करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका चॉइस अनलॉक हो चुका है। इसलिए आप फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएं। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने पासवर्ड बनाया था। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर चॉइसेस आर लॉक्ड एज ऑन 24 जुलाई 2018। आपका चॉइस लॉक हो चुका है। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं। और फिर प्रिंट पे क्लिक करें और इस पीडीएफ फाइल को सेव कर लें। उसके बाद इस फाइल को ओपन करें। आप इस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं कि आपने जो ब्रांच जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया था वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीई के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।